खालसा चेतना मार्च तो पहला अमृतपाल सिंह दे माता समेत 6 नूं पंजाब पुलिस वालों गिरफ़्तार कर लिया गया। अमृतसर तो यह गिरफ़्तारी की गई है। तो जथेदार ने नोटिस लिया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने अमृतपाल सिंह की माता बलविंदर कौर समेत परिवारक मैंबरों को पुलिस वालों हिरासत में लैण की कार्रवाई से सरकार को सख्त चेतावनी देंदिया किया है कि बिना वजह माहौल में तलखी पैदा करने तो गुरेज किया जाए। सारी संगत नूं बेनती है कि उत्थे चले चले बिल्कुल शांति रहना। मेरे गल कोई नहीं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं करेगा। मौका नहीं देना, किसी नूं मौका नहीं देना। कहीं शांत रोस मार्च बह जाओ एक जगह ते, जिथे मर्जी सानू कोई नहीं, भावे जेल च लै जाण, जिथे मर्जी लै जाण। तुसीं कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी। सारियां संगतां नूं अपील है, उधर निकलो, तुसीं अरदास करो वाहेगुरु गाड़ी, वध तों वध उत्थे मोर्चे च पहुंचो सारी संगत। जथेदार अकाल तख्त की अगवाई च उतों अकाल तख्त तब तक मार किया जा रहा है। तो वो वास्ते अज साडे परिवार के उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह की माता जी, उन्होंने दो चाचा जी तो होर कुछ बीबिया नाल जा रहे थे। तो उन्होंने इतने अमृतसर पुलिस ने इतें अरैसट कर लिया। पता नहीं हूँ उन्होंने कितने लेके गए। तो ये सरकार की बहुत घिनौनी हरकत है। क्यों कोई ऐसी एक शांतमई मार्च कर रहे थे, गुरमत चेतना मार्च, लोगों गुरु प्रति जागृत करना सी, नशे तो बचाने का उपराला सीगा। तो ये भी सरकार बेलोड़ी दखल साढ़े धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी कर रही है, जिड़ी कि सरासर बहुत गलत आ। यह तो बहुत माड़ी घिनौनी हरकत है ना सरकार की। जी सरकार ने लांत पाना यह भगवंत मान, अं तो वोटा पा पा मर गए हैं। मेरे मुंडे ने 25,000 का तेल बालिया घरों, कोई बांह कढ के आखे मैं 5 रुपये का तेल भी दिता हो तो उन्होंने डबरूगा जेल सटिया ने। तो चंगे काम करते हो गए ना, कि भुक्की बेच दे आ दूजा अपने बेचना चिट्टा बेचना देना। इतने हूने कि मर्जी चिट्टा ले लो, चिट्टा बेचने वाधू ने। तो जे अमृत छकाते उन्होंने अंदर करता ने अमृतपाल, अमृत छकाने माड़ा का नहीं किया उन्हें, लोगों के पुत बचा। जस पंजाबी हक सच अते आवाम दी आवाज।